पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम में 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। आश्रम के अंदर भूमि पूजन संपूर्ण हुआ। तत्पश्चात 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम यहाँ पंडाल में चलेंगे आश्रम के अंदर, तो आपको सबको पता ही है कि सुबह को यज्ञ चलेगा 8 बजे से 1 बजे तक, शाम को 7 बजे से 10 बजे तक भजन कीर्तन रोज चलेंगे। पहले दिन सुंदरकांड होगा, फिर एक दिन हरे कृष्णा वालों का होगा, एक दिन अपना माता की चौकी होगी, एक दिन खाटू श्याम जी का भव्य दरबार लगेगा, भव्य भजन कीर्तन होंगे। और आज 28 अप्रैल को जो हमारा भव्य प्रोग्राम रहेगा सुंदरकांड होगा। सुंदरकांड तत्पश्चात के तिवारी जो रुद्रपुर से हैं, जो बाबा नीम करौली के भजन के द्वारा ही गुणगान करते हैं, सिर्फ बाबा नीम करौली वालों का ही गुणगान करते हैं, वो भी के तिवारी हमारे 28 अप्रैल को यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तत्पश्चात पूर्ण आहुति के बाद भंडारा शुभारम्भ होगा। सभी महानगरवासियों से और प्रदेशवासियों से सबसे निवेदन है, हर देशवासियों से, कि यहाँ पर आएँ। बाबा का 5 दिन जो भव्य हमारा कार्यक्रम चलेगा उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, तन मन धन से हर तरह से यहाँ पर लगें। आपका ही प्रोग्राम है और आप ही का, जिसे बाबा बुलाएं सब अपने अपनी सेवा को स्वीकार करें। और आज हम कुछ जिम्मेदारियाँ भी सब लोगों को दी गई हैं यहाँ पर। जय बाबा की जय। आगामी 24 तारीख से 28 तारीख का जो प्रोग्राम रहेगा उसके लिए आज भूमि पूजन किया गया है और सब तैयारियाँ के हिसाब से सबको अपने अपने काम सौंप दिए गए हैं ताकि प्रोग्राम में किसी तरह की भी कोई परेशानी ना आए और सारे कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो। जय बाबा। मेरा महानगर की जनता से, प्रदेश की जनता से, सभी से ये अनुरोध है कि आने वाले 24 तारीख से लेकर 28 अप्रैल तक जो बाबा का कार्यक्रम है उसमें सपरिवार सम्मिलित हों, बाबा का आशीर्वाद प्रदान करें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। बस यही मेरी सबसे अपील है। जय श्री राम, जय बाबा जी की। मैं शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, बाबा का सेवक, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम के द्वारा 5 दिन का कार्यक्रम सब्जीपुर गांव स्थित बाबा नीम करौली के आश्रम में शुरू होने जा रहा है। आज भूमि पूजन से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 तारीख से 28 तारीख तक लगातार पंचकुंडलीय यज्ञ सुबह प्रातः 8 बजे से प्रारंभ रहेगा। शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। आखिरी दिन 28 तारीख को पूर्ण यज्ञ के उपरांत प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, महानगरवासियों से, प्रदेशवासियों से, बाबा के दूर दराज के भक्तों से भी निवेदन है कि बाबा के कार्यक्रम में आएं, बाबा के कार्यक्रम को सफल बनाएं, तन मन धन से सहयोग करें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली की। सब्जीपुर गांव में स्थित श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम में 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव संपन्न हो रहा है, जिसके लिए आज भूमि पूजन किया गया, यज्ञशाला का भूमि पूजन हुआ है। और मेरी ये प्रार्थना है समस्त जनता से, जो भी इसको सुन रही है, कि वो यहाँ पर आकर पंचदिवसीय कार्यक्रम में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद ग्रहण। हमारे मंदिर का, बाबा नीम करौली आश्रम का स्थापना दिवस है 24 से 28 अप्रैल तक, उसके उपलक्ष्य में आज भूमि पूजन हुआ है। और मेरा सभी शहरवासियों से और मुरादाबादवासियों से, महानगरवासियों से सबसे निवेदन है, आएँ और बाबा का आशीर्वाद प्रदान करें, तन मन धन से सहयोग करें और जो भी जैसी जिसकी श्रद्धा हो वो यहाँ आकर बाबा से मतलब आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसा भी कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम में आने का कष्ट करें और बाबा का प्रोग्राम मतलब भव्य बनाएं। आज भूमि पूजन हुआ है
पांच कुंडी यज्ञ पांच दिन 24 से 28 तक चलेगा। काशी के विद्वानों के द्वारा डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जिसमें आचार्य होंगे 28 तारीख को, चूँकि 28 तारीख को 2022 में स्थापना हुआ था बाबा का, यहाँ पदार्पण हुआ था, स्थापित किए गए थे, उसी उपलक्ष्य में सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 28 तारीख को भव्य भंडारा होगा और दिन में भी भजन कीर्तन होगा, प्रतिदिन सुबह यज्ञ और शाम को भजन कीर्तन होगा। अतः नगरवासियों से अपील है कि सभी आके सम्मिलित हों और धर्म लाभ उठाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।